हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टर फैक्ट वाला चैनल से एक अनदर वीडियो है ये। इन जानवरों की करतूतें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। फनीएस्ट एनिमल मोमेंट्स कैप्चर्ड पार्ट 46। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर जानवरों के बारे में कुछ कहना हो तो उनके अतरंगी कारनामों को सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि ये हर वक्त कुछ न कुछ ऊटपटांग हरकत करते ही रहते हैं। इसलिए आज हम आपको इन्हें जानवरों के कुछ मजेदार क्लिप दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाओगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। ये है एनिमल मोमेंट 46। बिल्लियां एक दूसरे से ज्यादातर लड़ती ही रहती हैं, लेकिन इस क्लिप ने कुछ ऐसा ही कैप्चर किया। यहाँ ये दोनों बिल्ला बिल्ली एक दूसरे को पपी करने वाले थे कि तभी कुत्ता भाई ने डिस्टर्ब करके मोमेंट का रायता फैला दिया। उसके बाद बेचारे ये दोनों भी डर गए, जैसे कह रहा हो मुझे यहाँ से सब दिख रहा है। पूरा मूड खराब कर दिया। घोड़े जब भी किसी को मारने की कोशिश करते हैं तब उनके पास अपना एक ही वेपन होता है और वो है उनके किक, जिसकी एक किक के पड़ते ही अच्छे अच्छे उठ जाते हैं। खैर, हर बार ये अपनी किक का इस्तेमाल करें ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ ये दो घोड़े एक दूसरे से लड़ रहे थे कि तभी उनमें से एक घोड़े ने दूसरे को जॉन सीना की तरह उठाकर नीचे पटक दिया, जो शायद अभी अभी WWE देखते हुए ट्रेनिंग लेकर आया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 47 चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 47 लिखकर जरूर बताएं। पेट्रोल की बढ़ती प्राइस और फ्रॉड को देखते हुए जानवर भी बड़े सतर्क हो गए हैं, और वो कैसे ये आप इस वीडियो में देख लीजिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक बंदर इस पेट्रोल पंप पर आ गया जो एक बाइक पर चढ़ता है जिसमें पेट्रोल भरा जा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि भाई पेट्रोल के फ्रॉड को लेकर जरा ज्यादा ही सीरियस है, जो चेक करने के लिए डायरेक्ट फ्यूल पंप पर ही प्रकट हो गया। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हर वक्त सिर्फ क्यूट ही नजर आते हैं। नहीं, अभी हम बिल्लियों की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं, जो ये है सुगर ग्लाइडर, जिसे इसके ओनर ने एक हेलमेट पहनाया और खाना दे दिया, जिसे खाते वक्त ऐसा लग रहा है मानो ये कुछ खा ही नहीं रहा बल्कि रैपिंग कर रहा है। क्यों, सही कहा ना? अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें एक फ्रॉग इस बीटल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीटल ने फ्रॉग के मुंह को ही काट लिया। इसके बाद फ्रॉग ने क्या किया ये आप खुद देख लीजिए। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। तो देखा आपने, काटने की वजह से फ्रॉग को इतना गुस्सा आया कि उसने बीटल को लात मार के नीचे ही फेंक डाला। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओ ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाए। सामने वाला जानवर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, उसे डराने की हिम्मत अगर दूसरे जानवर में हो तो वो कुछ भी बड़े आराम से कर सकता है। जैसे कि यहाँ ये गूस और कुत्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जो एक दूसरे को बड़ी खुन्नस दे रहे थे, लेकिन तभी गूस भड़का और उसने कुत्ते को वहाँ से भगा दिया, जो खुद भी उसके पीछे उसे डराने के लिए भाग गया। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा, जान के तेरे को कि तू कौन है? अरे तो जान ले, समझ ले, नहीं तो अंग्रेजी कुत्ते। बेचारा कुत्ता भी सोच रहा होगा, आज तो बाल बाल बचा हूँ यार। खैर, इस कुत्ते को तो गूस ने भगा दिया, लेकिन इस बकरी के सामने भाई की दाल नहीं गल पाई, जिसमें ये बकरी उसे अपने सिर से धकेले ही जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गूस बहुत गुस्से वाली होती है सच में, लेकिन यहाँ ये इसीलिए कहते हैं ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि हर शेर के लिए एक सवा शेर तो होता ही है। वैसे दोनों गूस अलग अलग थे, लेकिन पंगा लेने की आदत तो उनमें होती ही है। चम्मा
महिला पुत्रिया कान जोड़ मेरा कान जोड़ कट गया चले फिर बंदरों की प्रजाति में सबसे बड़े ही मस्तीखोर होते हैं जो किसी से भी बेवजह पंगे ले लेते हैं। फिर सामने चाहे बाघ ही क्यों न हो, लेकिन यहाँ देखा जाए तो बंदर नहीं बल्कि ये बाघ ही इसे उंगली कर रहा है, जो इस बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गया। खैर अब इस बाघ को कौन समझाएगा कि वो कुछ भी कर ले, पेड़ पर रहते हुए बंदर को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल नहीं। हाय हाय, ओ गिर गया, गिर गया। और ये लो आखिर में हमारे बाघ भाई नीचे ही गिर गए, जिनका मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बंदर को और पेड़ों पे पकड़ना नामुमकिन। जानवरों को भी इमोशंस होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो इमोशंस किस किस तरह के हो सकते हैं ये आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ इस भाई ने अपने घर में पालने के लिए एक पपी लाया जो बड़ा ही प्यारा है, लेकिन एक और है जो इस पपी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। ओ भाई, नजरों से देख रही है। तो देखा आपने, अपने घर में खुद के अलावा दूसरे पेट को देखकर इस बिल्ली को कितना गुस्सा आ रहा है, जिसके एक्सप्रेशंस देखकर तो ये लगता है कि ये बेचारे पपी को घर से बाहर निकाल कर ही मारेगी। ये मुझे ना वो इस शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए। चले चल वांडों का फोन चल निकल यहाँ से चल वाले चल चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएगा। चल यहाँ से बात मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू? मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ से। कुत्ते और बिल्लियों में पहले से ही घमासान युद्ध होते आ रहे हैं, जो कभी कभार एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और वक्त आए तो झगड़ भी लेते हैं। और इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस बिल्ली ने तो अपनी गैंग को ही बुला लिया, जो सारे मिलकर इस अकेले कुत्ते को डरा रहे हैं, जिन्हें देखकर बेचारे कुत्ते की भी हवा टाइट हो गई और वो पतली गली से निकल लिया। Hey, what up, cuz? Look, can I help you find something? You look like you lost, nephew. You... जिसने यही सोचा होगा आज इनसे पंगा लिया तो सब कुछ सूझ जाएगा। ये बिल्लियां तो ब्लैक कोबरा गैंग की लगती है साहब। शैतान की दुआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है। लगा के क्या रखा है, क्या लॉजिक क्या है, इसके पीछे उसूल क्या है? मगर याद रखना एक बात, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। जा रही। अरे वो कहते हैं ना कि बेवजह किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस भाई ने ये कर ही दिया, जिसने अपने हाथ में इस बेबी पिगी को पकड़ा है और पता नहीं वो उसे पकड़कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। इसके बाद उसने उसे छोड़ दिया और जाने के लिए कहा, लेकिन अभी पिगी का माथा गर्म हो गया। अभी पता था, अभी तूने मिली किया ना, अभी पता था। जिस आदमी पर भड़क रहा है जो कह रहा होगा, अगर कुछ खाने के लिए नहीं देना था तो मुझे पकड़ा ही क्यों। गाइस, अभी तक आपने कई खतरनाक जानवरों की फाइट्स देखी होंगी और सच में हैरान कर देने वाली होती है, लेकिन अभी हम जो फाइट आपको दिखाने वाले हैं वो इन सबसे अलग है, जिसमें इन ग्राउंड हॉग की गैंग शामिल होती है। यहाँ ये आदमी इन्हें खाना दे रहा था, जिसे खाने के लिए ये सारे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जो खतरनाक तो नहीं बल्कि काफी फनी नजर आ रहा है। कौन कहता है कि फाइट्स हमेशा खतरनाक होती हैं? उन्हें जरा हमारे इन ग्राउंड हॉक्स के कारनामे तो दिखाना। अबे क्या कर रहा है, हाथ पे मरता लेके बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालों खाना बाना खाते हो कि नहीं, जोर से घुमा के दो पेट में निकला। छोड़ूंगा नहीं मैं साले को देखना। कौन कहता है कि काऊ सबसे शांत जानवरों में से एक है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरा इस क्लिप पर गौर करिएगा, जहां इन काऊस का डिनर चल रहा था, जिसमें से एक काऊ का खाना खत्म हो गया, जिस वजह से उसने अपने बगल वाली काऊ के खाने पर अपना मुंह मार लिया, जिसने खुद का भी खाना ठूसा। अब ये इसका भी खाना ठूसेगी। गाइज, हमने जमीन के जानवरों की काफी बातें कर ली, अब जरा हवा में चलते हैं। मेरा मतलब अभी बात करते हैं बर्ड्स की, उनमें भी हमें बड़े क्यूट या फिर कहीं फनी मोमेंट देखने को मिल जाते हैं।
जिसमें से एक ये भी है जहाँ एक पैरट और एक आउल बैठा हुआ है, जिसमें से पैरट आउल के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसके ऐसा करने के बाद आउल की रिएक्शन तो देखो, वो बेचारा तो अभी भी शॉक पड़ा हुआ है। भाई इसी दोस्ती करने की इतनी चुल क्यों मच रही है। अरे वाह। अबे साले, यहाँ ये रंकुश अपने काम से काम रखते हुए जा रहे थे कि तभी इस भाई ने घर के अंदर से इन्हें टोका, जिसके बाद ये ऐसे रुक गए मानो उस आदमी ने इन्हें स्टेचू किया हो। रकून, हाय। और खासकर दूसरा रकून जो पॉज देते हुए वही रुक गया, जो शायद यही कह रहा है अरे भाई स्टेचू तो बोल दिया, अब जल्दी ओवर दे दे। अभी तो गीला हुआ है, ज्यादा हिलेगा तो पीला भी हो जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा निकलेगा नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सुबह तक हिलेगा नहीं साहब, जवान दिया हिलेगा तो तीन बाप का। बंदरों में एक से बढ़कर एक नमूने होते हैं जो हर वक्त मस्ती ही करते रहते हैं, फिर चाहे वो मस्ती दूसरे जानवर के साथ हो या फिर अपने ही गैंग के किसी बंदर के साथ। जैसे कि यहाँ ये बेबी मंकी चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी वहाँ दूसरा बंदर आता है और इस बेचारे को लाफा देकर निकाल देता है। वो बेचारा भी कंफ्यूज होगा कि उसने भला मुझे क्यों मारा, वैसे लाफा इतने जोर का लगा भी नहीं जितने जोर की इसने एक्टिंग की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है। इधर पट्टा से एक शॉट। गाइस जब भी हम कुत्तों के साथ कोई गेम खेलने के बारे में सोचते हैं तब हम उनके साथ बॉल थ्रोइंग ही खेलते हैं, जिसमें हम बॉल को फेंकते हैं और कुत्ता भाई उसे फिर हमारे पास लेकर आता है। ठीक वैसे ही यहाँ ये गेम खेला जा रहा था, जिसके चलते ओनर ने बॉल को फेंका और कुत्ते के साथ साथ ये दो मुर्गियाँ भी बॉल लेने दौड़ी, जो खुद को कुत्ता भाई समझ रही थी। खैर जानवरों कैसे कारना में कभी नहीं होंगे बंद, इसीलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यार आपको इनमें से कौन से जानवर का मोमेंट सबसे फनी और अलग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसे एक लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड देखो ये जो जितने भी एनिमल्स थे इसमें सब एक से बढ़कर एक क्यूट यार, इतने प्यारे, मतलब एक मिनट को इनसे नज़र नहीं हट रही थी यार। इनकी हरकतें भी इतनी फनी फनी होती है, बड़ी प्यारी सी। एक तो वो ग्राउंड हॉग्स, वो उनका झुंड जो लड़ रहा था वो देखने में इतने क्यूट है एंड ऊपर से फाइट कर रहे हैं वो और ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड वो जो बंदर पेट्रोल की टंकी पर चढ़ गया था भाई, पता है इन ना सिर्फ बंदरों को बल्कि इंसानों में भी कई लोगों को पेट्रोल सूंघने का नशा होता है, मतलब उसकी स्मेल से एक नशे सा चढ़ता है वो एकदम ऐसा लगता है। पहले मैं भी पता है छोटी थी ना तो पापा की बाइक होती थी, जब पापा बाहर से आते थे तो बाइक को उन्होंने बरामदे में खड़ी करी और मैं क्या करती थी, मैं जाके बाइक पर लेट जाती थी एंड वो पेट्रोल की टंकी में अपनी नाक लगा के बड़ी देर तक सूंघती रहती थी। उसके बाद से जब पेट्रोल की स्मेल आने बंद हो जाए तब आती थी अंदर कमरे में झूमते हुए से। मुझे बड़ी गंदी लत लग गई थी सच में एंड बहुत मुश्किल से मेरी आदत छुड़वाई गई। ये एक बैड हैबिट है लेकिन हाँ मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। ओके सो ऐसा प्लीज़ ऐसी कोई हैबिट मत लगाना अपने अंदर। ओके हाँ बच्चों में कभी कभी हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके उनकी ये आदत छुड़वा दें, इस टाइप की आदतें अच्छी नहीं होती हैं। सो यहाँ पे यार ये एक से बढ़कर एक फनी वीडियोस थे एंड उस बंदर को वो बाघ भैया पेड़ पे चढ़ के पकड़ रहे हैं। पेड़ पे ना बंदर को कोई मतलब कोई नहीं पकड़ सकता है सच में, बाघ तो दूर की बात है इंसान खुद नहीं पकड़ सकते भाई। बहुत ही ज़्यादा फनी फनी वीडियोस थे इसमें यार, बहुत ही सारे फनी फनी वीडियोस। एंड गूज जो होती हैं ठीक है, डक्स या गूज या आप उसे स्वान वगैरह कुछ भी कह लो, तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं ये लेकिन फिर भी काफ़ी गुस्से वाले होते हैं, प्लीज़ डोंट। नहीं और एक मुझे वो मेंढक वाला बड़ा फनी लगा भाई, बीटल को खाने जा रहा था उसने खाने नहीं दिया अपने आप को, काट लिया उसकी मतलब उसके मुंह में तो सीधे चला निकल यहाँ से, जब मेरे खाने खाना बनने के काम नहीं आ सकता तो यहाँ तेरा कोई काम नहीं। वो
बहुत ज्यादा फनी वीडियो था यार। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन भी पसंद आया होगा, और तुम लोग का फेवरेट एनिमल मोमेंट कौन सा था प्लीज मुझे जरूर बताना। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।